किसी के मन में हो गुरु ने सिर मंगया कि वढ़न लगा पर सा संगत जदों सिर वढ़ के शमशीर लहू न लथपथ बाहर आए हो गए उदों तां सब बैठियां दे अंदर भरम मुक गया होना है जे पहले का सिर वढ़ दिता दूजा वढ़ाउण लई किवें तैयार हो। मैं कथा दियां काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखियां मैं लेकिन जिहड़ी इह वीडियो है ना इस तरह की मैं दावे नाल कह सकना मैं कि कथा की वीडियो मैं पहले नहीं सुनी यार बहुत ही कमाल वीडियो है सिख है वीडियो देखणगे तो एक माण महसूस करनगे उन्होंने अंदर एक जोश एक जज्बा एक बहादुरी पैदा हो जाएगी। लेकिन वीडियो में कंप्लीट देखना कुछ दोस्त थोड़ी वीडियो देखते हैं तो वीडियो स्किप कर देंगे इस तरह तुम्हें मज़ा नहीं आएगा वीडियो में पूरी देखोगे तो फिर तुम्हें इस वीडियो की असल हकीकत का पता चलेगा। तो दूसरा जिन्हें दोस्तों ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लेन ताकि मजीद कथा की वीडियो वो देख सकन। सो चल के वीडियो देखने सात संगत 1699 ईस्वी की विसाखी अज के दिन हजूर ने स्टेज उत्ते आके एक अनोखी चीज की मंग की। देखो कदे ये चीजा जोड़ के इतिहास विचों छेवें पातशाह प्रसाद भेटा के अंदर कल्ले सात संगत रुमाले दुशाले कपड़ा अनाज इन्हों तो अलावा कहिंदे ने मैनूं शस्त्र की भेटा चाहिए। जदों वक्त दसवें पातशाह का आया अज दे दिन हजूर ने बड़ी अनोखी भेटा की मंग की। साहब ने कहा अज तक रुमाले दुशाले अनाज भेटा करने वाले हो तुसी शस्त्र भेट करते रहे अज मैं सिखां कोलों एक भेटा मंगनी है अज भेटा शस्त्रां दी नहीं शस्त्र पहनण वाले हो अज मैनू सिर दी भेटा चाहिए। सब हैरान हो गए महाराज शस्त्रां तक तो ठीक सी पर सिर दी भेटा तो गल ही अनोखी है। जदों हजूर ने 80,000 के कठ विच पहले सिर की मंग की एक सिख ने उठ के हाथ जोड़ के सिर चुका दिता। पातशाह पुछदे ने सीस दे सकना महाराज सीस हाजिर है की नाम है भाई उन्हें कह दी मेरा नाम भाई दया राम। पातशाह पुछदे ने कित्थों आए हाथ जोड़ के महाराज मैं लाहौर की धरती तो आया। कलगीधर पातशाह बड़े प्रसन्न होए कहन लगे लाहौर की धरती ते भी दया पैदा हो गई। हजूर अंदर लै गए इतिहास कहिंदा सीस वढ़ दिता गया लहू नाल लथपथ शमशीर लैके पातशाह फिर बाहर आए उच्ची आवाज विच कहा मैनू एक सिर दी भेटा होर चाहीदी हुण दो नंबर ते सिर देना बहुत औखा सी। तुसीं कहोगे एक नंबर ते सिर देना सौखा ते दो ते औखा क्यों क्योंकि साध संगत पहला सीस देण लग्या हो सकदा है किसी दे मन विच होवे एवें गुरु ने सिर मंगिया किहड़ा वढ़न लग्या पर सा संगत जदों सिर वढ़ के शमशीर लहू नाल लथपथ बाहर आए होण गए उदों तां सब बैठियां दे अंदर भरम मुक गया होना है जे पहले दा सिर वढ़ दिता दूजा वढ़ाउण लई किवें तैयार हो। सा संगत दूजा सीस देना बहुत औखा सी पर गुरु दा इक सिख उठ खलोता हथ जोड़ के जी मेरा सीस प्रवान करो। साहब पुछदे नाम की है जी मेरा नाम धर्मचंद कित्थों आए हैं हथ जोड़ के जी मैं हस्तनापुर दिल्ली तो आया हूँ दुम शहर के दोम नामों का इतिहास सुनियो मैं संकेप कहने ध्यान सुनियो। पहला नाम भाई दया राम धर्म चलाने वास्ते दया अत्यंत जरूरी है दया तो बगैर धर्म पैदा नहीं होंगे। सात संगत जिथे दया ना हो उत्थे धर्म कदे नहीं हो सकता ये गल गुरु नानक साहब महाराज ने कह दिती सी तुसीं रोज पढ़ते हो अज भी पढ़ के आए हो जिथे साहब कहिंदे ने तौल धर्म दया का पुत भाई धर्म दया का पुत्र है जे दया नहीं तो धर्म हो नहीं सकता। तौल धर्म दया का पुत पढ़ो संतोख थाप रखिया जिन सूत एक बार पढ़ो तुहानू याद रहेगा तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन गज के को तौल धर्म दया का संतोख थाप रखिया जिन दया तो धर्म पैदा हुंदा है जे दया नहीं धर्म कदे नहीं ये गल तुसी याद रखियो। जेड़ा बंदा किसी के दुखों में खुश हो रहा है वह बंदा कदे धर्मी नहीं हो सकता। जेड़ा गवंडी के दुख में खुशी मनाउंदा है माफ करियो किन्ने भी पाठ करवाउंदा फिरे उन्हूं गुरु कदे धार्मिक होने का दर्जा नहीं देणगे। धर्मी वह बंदा है जिहदे अंदर दुख वेख के दिल पिघल जाए
किसे दा दुख वेख के तुहानू दया आ जाए। जे किसे दे दुख विच खुश हो रहे हो फिर तुसी धर्मी अखवाउण दे हकदार नहीं। पर माफ करियो, अज बंदा कुदरती तौर ते इह दुनिया दा निजाम इदां दा बन गया, अज दा बंदा अपने दुखां तो इन्ना दुखी नहीं जिन्ना गवंडी दे सुखां तो दुखी हो रहा। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਆ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਇਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੌਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰਦਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੀ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਇਆ ਦਾ ਫਲ ਉੱਗਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਲਾਹੌਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਓਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਗਵਾਂ ਭੇਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਵੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰੀ ਦਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 17 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1699 ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ।
एक सिख उठ के हाथ जोड़ के आया, मेरा सीस हाजिर है। पातशाह बोले भी नाम की है जी? हिम्मत राय। हजूर खुश होके बोले, धर्म चलाउण लई हिम्मत चाहीदी सी, मेरे पंथ नूं हिम्मत दी लोड़ सी। आ हिम्मत राय, इह तां दस कित्थों आया? हाथ जोड़ के जी मैं जगन्नाथपुरी तो आया। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने वाह गुरु नानक दे चरण पए ने, जगन्नाथपुरी तो भी हिम्मत पैदा हो। कदे जगन्नाथपुरी का इतिहास पढ़ियो, उत्थे पातशाह दा अज भी गुरद्वारा आरती साहब साध संगत, उत्थे कृष्ण की एक मूर्ति है। उस मूर्ति दियां बाहां नहीं, उहदा इतिहास कारीगरां दे देवते विश्वकर्मा नाल जुड़े। उत्थों दे राजे ने भगती करके विश्वकर्मा दे कोलों मूर्ति बनवाई, ते राजे दी मूर्ति मंग मन के विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाउणी शुरू कीती, नाल शर्त रखी जदों तक मूर्ति बन नहीं जांदी कोई दर्शन नहीं करेगा। राजे ने शर्त तो मन ली पर अपने वचन तो मुकर गया। उहदे मन च आया जिदन मूर्ति बन गई सब ने वेख लैनी है, मैं राजा कदा होया? उन्हें सात संगत अद्धी रात नूं पर्दा चुक के चोरी मूर्ति वेख ली। उत्तों बाद विश्वकर्मा ने मूर्ति अगे नहीं बनाई। अज तक जगन्नाथपुरी के मंदिर विच बिना बाहां तो मूर्ति पई है। जिस बंदे दीयां बाहां ना होण उहदी हिम्मत नहीं हुंदी। हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बल्ब खीरी दी, दोमां बाहां तो सखणियां अज भी वह मूर्ति उत्थे पई है। गुरु नानक साहब के चरण पए, उत्थे शब्द का अभ्यास हुंदा रहा। दसवें जामे विच हिम्मत पैदा होकर साध संगत जगन्नाथपुरी तो आनंदपुर साहब आ गई। इहदा इतिहास होर भी है, तुहानूं पता है। हुण वक्त इन्ना नहीं, मैं विस्थार विच कहां। अठवें पातशाह ने जिहदे सिर ते छटी रख के गुंगे कोलों अर्थ कराए सन, उस गुंगे भाई छज्जू झीवर का पुत्र भाई हिम्मत राय तीन नंबर से गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सीस पेंट कर दे। साध संगत गुरु सिर ते छटी रख दे, लोगों दीयां बुत्तियां करन वाले बादशाह बन जांदे ने। ये मेरे गुरु की नजर हुई, जेड़ा लोगों दीयां बुत्तियां करके पानी पिलाउंदा सी, जिन्हों गुंगा बहरा छज्जू झूर लोग कहिंदे सन, मेरे गुरु की नजर हुई। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुरकिनी कृपा हर नाम दियो, उस छज्जू की कुल विच साध संगत भाई हिम्मत राय जी पैदा हुए। तीजे प्यारे भाई हिम्मत राय, चौथा सीस मंगया, हथ जोड़ के एक सिर आके सीस चुका दे। हजूर पुछदे सिखा की नाम है? महाराज मोकम चंद। सतगुरु बड़े खुश होए। मोकम का अर्थ हुंदा दृढ़ता। जिन्नी देर किसी दे अंदर दृढ़ता ना होवे, वह ताकतवर बंदे भी हार जाते हैं। हिम्मत वाले बंदे जंग विच हार जाते हैं जे दृढ़ता ना हो। दृढ़ता अत्यंत जरूरी है। पातशाह ने बचन कह कि धरती तो आए हो? मोकम चंद बोलिया जी मैं द्वारका तो आया। पातशाह बड़े प्रसन्न होकर कलगीधर पातशाह बोले, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, ओ द्वारका जिथे लोगों में दृढ़ता नहीं सी, गुरु नानक की नज़र नाल द्वारका चो दृढ़ता पैदा हो। द्वारका में एक मंदिर है जी, बड़ा हिस्टोरिकली मंदिर है, उहदा नाम है रणछोड़ मंदिर। द्वापर का अवतार मदन ने जंग विचों रण छड़ के भज गया। जदों बसीमा टप्पिया राक्षस मुर, उन्हें बसीमे तो बाहर जाके मार दिता। उत्थे इतिहास लिखे मंदिर के बाहर, कृष्ण रण छड़ के भजे रणछोड़ मंदिर है। मेरे गुरु नानक ने उस धरती से ऐसा शब्द ते शस्त्र का अभ्यास दिता। एक दिन वक्त आया, उस धरती तो दृढ़ता पैदा हो गई। कलगीधर पातशाह ने कहा, लै मोकम चंद, अज तेरा सीस लैके पंथ विच दृढ़ता भर देनी है। अज तो बाद मेरा कोई भी सिख मैदान छड़ के नहीं भजेगा, भावें चालियां नूं 10 लख नाल लड़ना पै जाए। सिख सीने विच गोलियां खाणगे पर मैदान छड़ के नहीं भजणगे। साध संगत इतिहास है, गुरु का खालसा कदे मैदान छड़ के नहीं भजिया। साध संगत ये दृढ़ता भाई मोकम चंद करके। पंजवां सीस गुरु ने मंगया, एक सिख हथ जोड़ के सीस झुकाउंदा है, 80,000 दे इकट्ठ विचों 40 तो वध हजार 40-45,000 बंदा भज गया। गिनती दे बंदे रह गए, सब हैरान सी, आ गुरु सीस किवें मंगण लग पिया। अज तक भेटा दुशालियां रुमालियां शस्त्रां दी चलदी रही है। शस्त्र तक भेटा भेंट करनी ठीक सी, पर सिर कौन भेंटा मंगदा? वह भी गुरु एक एक लिजा के अंदर वढ रहा है। जदों पंजवें सीस की मंग की, पंडाल विचों कई कच्चे बंदे खिसक गए। साध संगत ये कच्चे बंदियां का रस्ता नहीं, ये बड़ा पक्याई वाला रस्ता है। पर तम पक्का भी बंदा वो हो सकता है
जिदी कंड उत्ते गुरु की कृपा होवे, गुरु की कृपा तो बगैर आपां पक्के भी नहीं हो सकते। कोई बंदा कवे ना मैं बड़ा पक्का जी रहत में, माफ करियो बड़ियां बड़ियां दीयां रहतां टुट जांदियां ने। जे मेरे गुरु कलगीधर पातशाह दा हथ होवे, मेरा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह कदे नहीं डोलण दिंदा। साध संगत ये गुरु की कृपा नाल रहत रहिंदी है। खैर पंजवां सीस जदों मंगिया, भाई सिख ने उठ के सिर झुकाया, हजूर पुछदे नाम की है। जी मेरा नाम साहिब चंद है। कित्थों आए हो? महाराज बिदर दी धरती तों। कलगीधर पातशाह बड़े प्रसन्न होए। हजूर कहिंदे जिहदे विच चार गुण आ जाण उहनूं सभी जरूर मिलदी है। किहड़े चार गुण? पहला दया, दूजा धर्म, तीजी हिम्मत, चौथी दृढ़ता। जिस बंदे दे अंदर चार गुण होण उहनूं दुनिया विच पातशाही जरूर मिलदी है, उहनूं दुनिया विच सभी का मुकाम मिलदा है। पातशाह ने कहा मेरे पंथ विच चार गुण आ गए ने, हुण सभी लैण तों कोई रोक नहीं सकदा। आ साहिब चंद सीस भेंट कर, मेरे पंथ का ताज बन के अज सज। हजूर ने पंजवें नंबर ते सीस लिया। पुछया बिदर तो आए? हाँ महाराज। कलगीधर पातशाह कहिंदे चलो द्वापर की अधूरी गल अज पूरी हो गई। महाराज किवें? सच्चे पातशाह ने कहा बिदर की धरती ते द्वापर के अवतार ने अलूणा साग खाधा सी बिदर की कुली। अलूणा साग ही नहीं खाधा, घड़े का ठंडा पानी भी पीता। जदों हस्तनापुर का राजा दुर्योधन पुछदा है जी सानू अमीर उच्चे रिश्तेदारां नू छड्ड के बिदर नीचे दे घर क्यों चले गए, उहदी कुल्ली विच की मिलिया? कृष्ण ने जवाब दिता तेरे महलां दी खीर ते बिदर दा लूणा साग मैनू एक बराबर लगा। तेरे महलां दा दुध ते बिदर दी कुल्ली दे अंदर ठंडा घड़े दा पानी मैनू दुध ते पानी एक बराबर लगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो, इहदा जिक्र बाबा कबीर साहिब ने कीता जिथे कहिंदे ने कृष्ण जदों बिदर दी कुल्ली विच रहे, यह गल दुर्योधन नूं कही कि यह राजन याद रख तेरे अंदर अहंकार मान सी, पर तेरियां खीरां दे बराबर बिदर दा लूणा साग, तेरे दुध दे बराबर बिदर दा पानी। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहरनी, कबीर को ठाकुर अंद बनोदी, जात ना काहू की मानी। कहन लगे मैं तेरे घर दी खीर ते बिदर दा साग, मैनू अलूणा साग भी खीर वर्गा लगा। पर साध संगत भगती ते हंकार दी बराबरता वाली गल ते गलत हो गई ना। फिर भगती करन वाले दे बराबर इहदा मतलब राजा हो सकदा है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी ने फिर निर्णय दिता नहीं, हर समान को हर समान नहीं राजा। चार छपेरे ढूंढ के वेख लो, रब दे नाम जपन वालियां दे बराबर कोई राजा नहीं हो सकदा। को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब चार दिवस के झूठे करत दे वाजा। जदों गल मान देण दी आई, गुरु नानक साहिब महाराज ने भाई लालो दा बिदर दा प्रशादा कल्ला साध संगत नहीं छकिया। ये देखो इतिहास पढ़ के, कल्ला हजूर ने कुदरे दा प्रशादा ही नहीं छकिया। भाई लालो नूं कहा मैं बराबर नहीं कमांगा कि तेरा कुदरे दा प्रशादा ते मलक भागो दी खीर पूरे बराबर ने। नहीं भाई लालो, तेरे ये बिदर कुदरे दे प्रशादे दे बराबर कदे भी उस मलक भागो दे पूड़े जां खीर नहीं हो सकदी। हजूर ने कहा किथे तेरे कुदरे दे अमृत वर्गे प्रशादे ते किथे जहर लोकां दी रतन चोड़ी होई देसी घिओ दे पूड़े। साहिब ने कहा कदे बराबर नहीं हो सकदा। लै भाई लालो, जिहड़ी गल द्वापर दे अंदर बिदर नूं बराबरता नहीं मिली, अज तैनूं असीं उचाई ते बराबरता दवांगे। कृष्ण ने साग ते खीर नूं बराबर दसे, पर गुरु ने कुदरे दा प्रशादा ते मलक भागो दे पूड़िया नूं बराबर नहीं किया। मलक भागो दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच नहीं, भाई लालो दा नाम कई बार गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च लिखिया। इको शब्द में साहिब ने कहा जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसना करी ज्ञान बे लालो, पाप की जंजले काबलों ताया, जोरी मंगे दान बे लालो, शर्म धर्म दो छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बे लालो, काजियां बमणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान बे लालो। इन्नी वार गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच लालो दा नाम। पातशाह ने कहा जिथे दुनिया गुरु नानक नूं याद करेगी उत्थे भाई लालो तैनू भी याद करेगी। गीता दे अंदर बिदर दा कोई जिक्र नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अंदर ये याद रखियो साध संगत, भाई लालो दा कई बार जिक्र है।
उस बिदर के नाम उत्ते शहर वसिया सी। बिदर साहब ने कहा बिदर दुआपर अंदर नीच रहा है, पर बिदर की धरती तो आया साहब चंद, अज मेरे पंथ की शान बनेगा। लै साहब चंद सीस भेंट कर, तू मेरे खालसा पंथ की सहबी बने। पंजां दा सीस लैके खंडे वाटे की पॉलिश कई, परत के पंजां नूं सुरजीत करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत मंगया। कलगीधर पातशाह ने खंडे वाटे की पौल पंजां तो लई, गोविंद राय तो गोविंद सिंह सज गए। उदन साहब ने बचन कह खालसा मेरी जान की जान। हजूर ने कहा आ जिहड़ा अज पंथ खालसा सजे ये मैनू जान तो भी प्यार है। उदन साहब ने कहा खालसा हमारी सौज, खालसा हमारी मौज, खालसा हमारी फौज, जीत की निशानी है। उस दिन पंजा नू साज के खालसा कह के बचन कहा कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सत सत संगा। खालसा मेरो इष्ट सुहिरद, खालसा मेरो कईयत विरद। हो खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बंदे। जदों पातशाह ने इन्ना वड्डा मान दिता उदों सिखां ने भी कहा वाह सच्चे पातशाह, अज तक इदां कदे नहीं होया। दुनिया के इतिहास में गुरु गुरु रहे ते चेला चेला ही रहे, पर पातशाह अज पहली बार होया महाराज तुसीं चेले नूं गुरु ते गुरु नूं चेला बना। वाह सतगुरु वाह, प्रगट्यो पुरख मर्द अगंबड़ा, बरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह अपे गुर चेला। ਉਹ ਪੰਜੇ ਖਾਲਸੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। अज तो बाद कंगा कड़ा कृपान कशहरा सिख दी रहत है। अज तो बाद बिना अमृत तो कोई मेरा सिख नहीं। हेलो हेलो, खालसा फौज खालसा के बारे मैं बड़ा सुनिया सी कि खालसा बड़ा बहादुर है, बड़िया उन्होंने कहानियां, बड़े उन्होंने बहादुरी के चर्चे सुने सी कि खालसा पिछे नहीं हटता, खालसा हर जंग दे विच लड़दे है, बड़ी बहादुरी नाल दुश्मन का मुकाबला करते है, खालसा ने यह करता, खालसा राज बन गया। लेकिन मैं यह नहीं पता कि खालसा किस तरह वजूद आया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा तो बनाया सी, लेकिन अज मैं यह पता चलिया वै कि यह खालसा क्यों एडे बहादुर सी, क्योंकि यह वो बहादुर सी जिहड़े कि अपनी जान की भेड़ देने तो भी नहीं सी डरते, जिन्होंने बेखौफ हो के अपनी जान देने भी तैयार हो गए। जो इस तरह के बहादुर होणगे तो फिर उन्होंने मौत का की डर है, जिहड़े अपनी मौत नूं देना चाहते अपनी जिंदगी नूं, उन्होंने किसी होर चीज़ का नहीं डर, तो फिर उन्होंने डर होकर लड़ते हैं। इस करके वो हर जी जंग है हर जगह पर कामयाब होंगे है। ये जी खालसा है ये गुरु गोबिंद सिंह ने बनाई सी, इस करके जोड़े सिख है उन्होंने जो खास लोग अमृत चक के खालसा वे आ जाते हैं, उन्होंने उ बहादुरी उ जड़े सारे गुण है वह आ जाते हैं। इस करके सिखा दे खालसा एक खास जरा मुकाम हासिल है। मैनू तो अज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो मैनू खालसा की हिस्टरी के बारे भी पता लग गया। तो कमेंट करके मैं लाजमी दसना कि तुहानू अज की वीडियो किस तरह